अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समय इमरान ब्यूटी टेक्निक्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आप लोग क्लाइंट के हेयर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कर्ली और बाउंसी हेयर्स हैं। इन पे केराटिन का रिजल्ट कैसा आएगा, स्पेशली मैंने इस वजह से ये वीडियो बनाई है। केराटिन ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट शैम्पू है और ये सेकेंड जो है ये ट्रीटमेंट क्रीम है। फर्स्ट जो होता है वो उसके साथ आप वॉश करते हैं, सेकंड जो होता है मेन ट्रीटमेंट क्रीम होती है। इसकी एप्लीकेशन हम जब बालों को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद बालों को 100% ड्राई करते हैं, तब हम सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं। शैम्पू के साथ आपने हेयर्स को अच्छे तरीके से वॉश करना होता है और 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है, फिर वॉश करना होता है, देन 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है, फिर वॉश करके फिर आपने 80% ड्राई करना है। उसके बाद आपने सेकंड क्रीम यूज़ करनी है। सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे, रूट से 1 इंच बाल छोड़ के फुल हेयर्स पे एप्लीकेशन करेंगे। और जब आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाए, अब यहाँ पर एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई, एप्लीकेशन की वीडियो बना नहीं सके क्योंकि काफ़ी सारी केराटिन की वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, एप्लीकेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फुल हेयर्स पे जब एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद आप हेयर्स को कवर करेंगे और कवर करके कैचर लगा देंगे। उसके बाद आप शावर कैप पहनाएंगे। शावर कैप के अंदर आपने हेयर्स को 1 घंटा रखना है। अगर टाइम कम है तो आप 40 मिनट भी रख सकते हैं, 40 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम होता है आपने रखना होता है। उसके बाद आप शावर कैप रिमूव करेंगे। जब आप शावर कैप रिमूव करेंगे तो हेयर्स की कंडीशन ऐसी होगी, हेयर्स में नमी होगी। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग करनी है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। ब्लेंडिंग करने के बाद फिर आप कॉम करेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग इस वजह से ज़रूरी होती है, जब आपने कैचर लगाया होता है तो बालों में थोड़ा सा वेव आ जाता है। आप ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करने के बाद आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है आप कॉम करेंगे। कॉम के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आएगी उसको आप बालों के ऊपर अगेन स्प्रेड करके कॉम कर दें, ठीक है, जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया जाए ताकि जब आप काम करें तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आप ड्राई करेंगे। अब क्रीम बालों के अंदर ही है, हमने ट्रीटमेंट क्रीम को बालों से वॉश नहीं करना, इसी के ऊपर आपने 100% ड्राई करना है। जब 100% बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना, नमी नहीं रहेगी, उसके बाद आप ब्लो ड्राई करेंगे। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई आपने बहुत डिटेलिंग करना है क्योंकि जितना अच्छा आपका ब्लो ड्राई होता है और उसके बाद जितना अच्छा आपका आयरन होता है, इतने ही अच्छा रिजल्ट आता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ऐसा वर्क करते हैं, हेयर का वर्क स्पेशली कि आप रिबॉन्डिंग करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपके अच्छे टूल्स होते हैं, आपका अच्छा काम करने का तरीका होता है, वो बालों को रिजल्ट देता है। 50% प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है और 50% आपका तरीकाकार होता है। आपने सारी क्रीम को बालों के अंदर पेनिट्रेट करना होता है ब्लो ड्राई करके, और ब्लो ड्राई के बाद जो कमी बेशी रह जाती है वो आपने आयरन करना होता है। ब्लो ड्राई आपको दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और तमाम हेयर्स को ब्लो ड्राई करना है। जब ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बालों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर आपके पास प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होना चाहिए। मैं जो स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ ये सैलून डिज़ाइनर वालों के हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोफेशनल स्ट्रेटनर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हम स्ट्रेट कर रहे हैं और बाल कितने स्मूथ हो रहे हैं। बाल आप पहले भी देख सकते हैं, पतला बाल था, कर्ली था, बहुत ज़्यादा रफ था और बहुत ज़्यादा टेंगल थे बालों में। अब बाल आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने प्रोडक्ट बालों के अंदर से नहीं निकाली, इसी वजह से ये जो आपको स्मोक नज़र आ रही है ना, ये इसी प्रोडक्ट की है। और एक मेन चीज़ कि जब आप ये ट्रीटमेंट करें तो एग्जास्ट मस्त चलाएं, क्योंकि इसकी स्मोक की वजह से आंखों में इचिंग और ये गले में जाती है, तो एग्जास्ट मस्त चलाएं। जब आप बालों को स्ट्रेट कर लेंगे उसके बाद सेम डे वॉश है, उसके बाद आप वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो इनका थर्ड है शाइन मास्क, आप उसकी एप्लीकेशन करेंगे। इसके ऊपर लिखा होता है 3, इसकी एप्लीकेशन करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, ये इस तरह नहीं कि थोड़ा सा जैसे मास्क लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगाना। आपने वॉश यूनिट पे ही एप्लीकेशन करनी है, लेकिन आपने ज़्यादा लगाना है आप, ताकि बालों में बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन ऐसा हो कि बालों में नज़र आए, बाल अच्छे तरीके से इसके साथ स्मूथ हो जाए। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे।
20 मिनट के बाद आपने वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद सिंपल पानी के साथ आपने वॉश करना है। उसके बाद आप क्लाइंट को सर्विस चेयर पे लेके आएंगे और 50% हेयर को ड्राई करेंगे। 50% हेयर को ड्राई करने के बाद आप यहाँ पे सीरम यूज़ करेंगे। सीरम जब भी यूज़ करना होता है 50% हेयर ड्राई होने चाहिए और 50% वेट होने चाहिए। ड्राई हेयर पे सीरम यूज़ नहीं करते। सीरम यूज़ करने का तरीकाकार आप लोग देख सकते हैं। स्कैल्प पे सीरम नहीं लगाना, रूट्स पे नहीं लगाना। अब ये देखें, ये ड्राई करने के बाद की लुक है। अब आप पीछे जाके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं कि बाल पहले कैसा था, कितना ज़्यादा कर्ली बाल था। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं, अब जब भी क्लाइंट वॉश करेंगी ना, उनके बाल ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद आप स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट चूँकि प्रोसीजर का हिस्सा है तो आप लास्ट में माइनर सा स्ट्रेट करेंगे, बड़े बड़े पार्ट लेके। बहुत डिटेलिंग स्ट्रेट नहीं करना आपने, बड़े बड़े पार्ट लेके आप स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेट करने के बाद जो लुक होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कैटिंग ट्रीटमेंट ऐसे हेयर्स के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा पतला और रफ़ बाल होता है, कंघी नहीं हो रही होती बालों में, तो ऐसे बालों के लिए ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। और ट्रीटमेंट का सेम डे वाश है, कोई आफ्टर प्रिकॉशंस नहीं है कि आपने पौनी नहीं लगानी, कैचर नहीं लगाना। अब ये देख सकते हैं, ये फाइनल लुक है। स्ट्रेट करने के बाद ये लुक आई है। अगर आप कैरेटिन करवाते हैं और आपको और ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपको डेड स्ट्रेट लुक चाहिए, तो जब आप वॉश करके बालों को ड्राई करते हैं तो आप हल्का सा माइनर सा आयरन कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में जब आप लोग आयरन करते हैं ना, उसका ये रिजल्ट नहीं आता। अब आप लोगों ने देखा है कि लास्ट में हमने बिल्कुल माइनर सा स्ट्रेटनर किया है, बड़े बड़े स्टैंड लेके। ये फाइनल लुक है। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।